दोस्तों यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई है जब राजा यहाँ से भागे थे। तो दोस्तों इस किले पे जब भदावर राजाओं का आक्रमण हुआ था तब इस सुरंग से राजा भीमसिंह राणा इस सुरंग से भागे थे धौलपुर के लिए। तो इस सुरंग से वो ग्वालियर किले में आक्रमण करने के लिए गए थे। अभी उन्होंने एक साल तक ग्वालियर किले में कब्जा किया था। दोस्तों ये देख सकते हो ये जो सुरंग है वो पूरी तरह से दब चुकी है। अंकल बोल रहे हैं कि पानी की मदद से ये पूरी तरह से दब चुकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य और मैं आज आपको लेके आ चुका हूँ गौद के सेकंड पार्ट पे। दोस्तों देख सकते हो ये हमारे पीछे गौद का किला है ये। और दोस्तों ये पीछे आप देखोगे तो ये भीमसिंह राणा की प्रतिमा है। दोस्तों पहले इस प्रतिमा का जो मुंह का कपड़ा था वो अब हटा दिया गया है। दोस्तों ये देख सकते हो ये जाट शासक भीमसिंह राणा की प्रतिमा है। दोस्तों ये वही भीमसिंह राणा है जिन्होंने ग्वालियर के किले पर भी कब्जा कर लिया था। दोस्तों इन्होंने ग्वालियर किले पर एक साल तक कब्जा किया था। दोस्तों आप देखोगे तो हम इस वीडियो में आपको क्लिप दिखा देंगे। भीमसिंह राणा की छतरी भी बनी हुई है ग्वालियर किले पे। दोस्तों चलते हैं इस किले के अंदर और किले की जानकारी हम आपको बताते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं किले के मेन द्वार पे। ये देख सकते हो किले का मेन द्वार है और ये पोर्ट लगा हुआ है गौद का किला। इसके अंदर चलेंगे अब हम। तो अंकल जी गेट खोलिए। तो आइए दोस्तों, अंकल जी भी आपको कुछ इसके इतिहास के बारे में रूप रूप करवाएंगे। किले का निर्माण जाट शासकों द्वारा कराया गया। गौद के जाट राणा मूलत पंजाब अथवा राजस्थान के निवासी थे। सन 1505 में ग्वालियर के तोमर राजा मान सिंह ने जाट वंश के प्रथम राजा राजा सिंहदेव को गौद की जमींदारी प्रदान की गई थी। इसी वंश के राजा भीम सिंह सन 1703 में राजगद्दी पर बैठे और 1736 ईस्वी में भदावरों शासकों ने इस किले को छीन लिया गया। भीम सिंह के बाद राणा छत्र सिंह ने इतिहास से किले का महल का निर्माण कराया गया। दोस्तों देख सकते हो ये किला अभी की डेट में ये पूरी तरह से खंडर के रूप में अवस्थित हो चुका है। जो भी बचा है ये छतरी है मतलब ये टूट चुकी है पूरी। हाँ, वो आगे और दोस्तों दो पीछे की टूट गई है। और दोस्तों इस किले का जो निर्माण में जो पत्थर और ईंट और लाल बलुआ पत्थर, इसमें रेडस्टोन पत्थर भी है और इसमें जो पतली वाली ईंट हुआ करती थी उसको भी मिलाकर इस किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों जैसे कि आप हमारे पीछे आगे की साइड देख सकते हो वो कुछ आपको हॉल टाइप की नजर आ रहे होंगे। रोशनदान है जो सेना होती थी, रेलिंग बनी है जो बाहर से कोई चढ़ाई नहीं करे रास्ता डाल गए। ये उस समय में ये सैनिक यहाँ पे लगाए हुआ करते थे और जो भी इस किले पे चढ़ाई करते थे दूसरे किले के अंतर्लोक किले के लोग तो इस हॉलों में से वो गर्म पानी फेंक दिया करते थे। दोस्तों अब चलते हैं इसके अंदर और इसके इतिहास से हम आपको रूबरू कराते हैं। अंदर ऐसे ही बोले ऐसे चलते हैं। इसका अंकल जो मेन गेट होगा तो टूट गया होगा। मेन गेट बंद है, टूट गया था। अच्छा। वो मेन गेट से चढ़ाई करी थी तो जो आगे इस गेट से अंदर चलते हैं उसका जो मेन गेट है पूरी तरह से टूट चुका है। आगे से टूट गया था और ये देख सकते हो आप ये भी पूरी तरह से खंडर के रूप में है। जो भी कमरे बने हैं छोटे ककरिया ईंट के आ रहे हैं लवा रहे हैं जो भी है। इन ईंट को ककरिया ईंट बोलते हैं। हाँ, ककरिया ईंट बोलते हैं। छोटी छोटी पतली ईंट ककरिया ईंट से इसका निर्माण राजा के समय की बनी हुई। और ये रूम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब सोल्जर्स रूम है। जीना भीना हटते दो तीन तीन मंजिल कुछ तो। और ये छोटा आकार है जो नीत संगीत वगैरह था यहाँ पर। अच्छा, इसमें संगीत रूम हुआ था। हाँ, संगीत वगैरह था। दोस्तों ये देख सकते हो आप बेसिकली हम यहाँ पे एक पोर्च में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये उस समय का संगीत रूम हुआ करता था। और दोस्तों ऊपर की साइड राजा बैठा करते थे जो पूरी तरह से अभी टूट चुके हैं। उसकी छतरी भी थी राजाओं की वो टूट चुकी हैं और इसकी जो छत थी इसके ऊपर वो भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। तो ऐसा काम करते हैं चलते हैं इसके अंदर। अंकल ये पूरे सोल्जर रूम होंगे, छोटे छोटे रूम कमरे हैं, दरबार हो। जिस जैसे कि आपको छोटे छोटे रूम्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे सोल्जर्स रूम हैं। इनमें सैनिक वगैरह के लिए। अच्छा अच्छा, अब अपन जैसे आ रहे हैं ना ये अपन काम आ गए। जो चौक है गेट था जो राजा पेश होते दरबार हॉल लगता था यहाँ। इसमें दरबार के लिए दीवाने आम हुआ करता था। रानी यहाँ पे बैठ के जो भी फैसला सुनती थी राजा का जहाँ दरबार। तो दोस्तों बेसिकली हम आ चुके हैं अब दीवाने आम में। और दोस्तों आपको ये पूरा एक गार्डन टाइप का दिखाई दे रहा होगा जो उस समय में ऐसा नहीं था। बल्कि मैं जो पत्थर का निर्माण करवाया गया है वो धरती में भी लगे हुए थे। तो आज की डेट में पत्थर पूरे निकल चुके हैं और
घास उग गई है। तो दोस्तों देख सकते हो इधर की साइड देखोगे आप तो इधर पहले राजा बैठा करते थे और राजा की मेहमान वो ऊपर की साइड बैठा करते थे। देख सकते हो आप ऊपर की साइड राजा के मेहमान बैठा करते थे और राजा सामने की साइड बैठा करते थे और रानी ऊपर छज्जे और रानी उस छज्जे पे बैठा करती थी। उस समय में छज्जे पे भी जाली लगाई गई थी जो कि पहले समय में पर्दा का सिस्टम हुआ करता था। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये दीवाने आम है और यहाँ पे जनता बैठा करती थी। जो भी जनता की प्रॉब्लम हुआ करती थी तो राजा को बताया करती थी और राजा उसको सॉल्यूशन निकाला करते थे। जी यहाँ पंडाल तान दी जाती थी, पब्लिक बैठी थी। अच्छा, पहले कुंदा भी लगे होंगे यहाँ पे। हाँ जी लगे ना जगह कुंवड़ा। ये देख सकते हो ये कुंदा लगे हुए हैं छोटे, आपको दोस्तों ये छोटे छोटे कुंदा टाइप के दिखाई दे रहे होंगे। जब उस समय में बारिश या धूप के बचाने के लिए इस एरिए में एक त्रिपाल टाइप की तान दी जाती थी। ये चारों तरफ ऐसे कुंदे लगाए गए हैं जो इसी के लिए लगाए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, अब कहाँ चलेंगे अंकल? अपन आगे चले, अब अंदर चलते हैं। अंदर क्या है? अंदर ये समय चौक में कढ़ाई है, सीनरी है बढ़िया। अच्छा, इसमें नक्काशी की हुई है, अच्छी है, जानवरों की बढ़िया तस्वीर बनी है। पहले इसमें चलते हैं अंकल। इसमें देख ले अगर यहाँ जो राजा आते थे घोड़े से इसके अंदर। दोस्तों बेसिकली ये देख सकते हो आप इस पे भी अच्छी नक्काशी की गई है। तोते में ये हमने आपको उस हमारे पहले पार्ट में भी बताया गया था कि ये पत्थर था वो सैंडस्टोन पत्थर हुआ करता था जो कि राजाओं ने अपने दूर दूर से मंगाए करते थे। तहाँ पे सैंडस्टोन अवेलेबल हुआ करता था, जैसे राजस्थान कश्मीर दूर दूर से ये सैंडस्टोन पत्थर मंगाया करते थे। और दोस्तों ये देख सकते हो ये कमरा है, जो राजा आते थे घोड़ा खड़ा कर दे खरौटा था जो। अच्छा, यहाँ पे राजा का घोड़ा, हाँ घोड़े के लिए मतलब। दोस्तों ये राजा का मेन घोड़ा हुआ करता, वैसे ही राजा का यहाँ पे भी एक मेन घोड़ा हुआ करता था। और वैसे ही राजा का यहाँ पे घोड़ा हुआ करता था तो राजा यहाँ पे अपने घोड़े को बांधा करते थे और यहाँ पे उनको खाना खिलाया करते थे। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये घोड़े का पर्सनल रूम है। अब चलते हैं अंदर। अंदर इधर मत जाओ, जयलंग चले मेन जगह। जर्जर हो चुका है ये तो, खंडर है इधर घास, ये पूरी तरह जर्जर हो चुका है अंकल। मना कर रहे हैं कि फोटो ले ले, मतलब ये ले ले इसमें क्या थोड़ा। और दोस्तों ये देख सकते हो अवशेष पड़े हुए हैं, ये गेट के अवशेष हैं, ये देख सकते हो पूरी तरह टूट चुके हैं और डले हुए हैं यहाँ पे। अब अपन को वो हमें ले चले चौक में, ये देख सकते हो। दोस्तों आइए पहले तो हम आपको एक सुरंग दिखाते हैं जो उस समय में अंकल कहाँ पे जाती थी। ये सुरंग, ये सबसे बड़ी सुरंग है इसके लिए। सुरंग है यहाँ से, मतलब इसमें पानी के दलदल से जमीन के अंदर पता पड़ा तो जो दब गई है पूरी, जमीन के अंदर सुरंग हो गई। अच्छा अच्छा, टूट पड़ेगी पानी भराव से बैठ गई। ये मंडप था इसके अंदर दोस्तों, राजा भीम सिंह राणा थे। दोस्तों इस सुरंग से वो ग्वालियर किले में आक्रमण करने के लिए गए थे, अभी उन्होंने एक साल तक ग्वालियर किले में कब्जा किया था। दोस्तों ये देख सकते हो ये जो सुरंग है वो पूरी तरह से दब चुकी है। अंकल बोल रहे हैं कि पानी की मदद से ये पूरी तरह से दब चुकी है, के लिए जीना ये देख सकते हो। सुरंग थी पुरानी अंदर जाने की, तो ये अभी की डेट में पूरी दब चुकी है। तो इन रूमों में देखते हैं, और ये मंडप था, ये सुरंग मंडप है, इसमें शादी वगैरह हुआ करती है। हाँ, जो भी कार्यक्रम कराते हो दोस्तों ये देख सकते हो। उस समय वैसे मंडप नहीं हुआ करते थे पहले समय में, वैसे समय में एक अलग से रूम बना दिया करते थे, जैसे कि गोल्ड टाइमिंग फेरी लगाने के लिए कुछ कमरे हैं जो देख सकते हो। ये यहाँ पे पहले अग्नि जलाया करते थे और किसी की भी जो शादी हुआ करती थी वो पूरी परिक्रमा देकर गोल साइड से ये मंडप टाइप का बना हुआ है। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये पूरी चारों तरफ से खुला हुआ है और इसमें काफ़ी चमगादड़ हैं, ये देख सकते हो चमगादड़ हैं तो वो रहते हैं। और अंकल ये क्या है? ये टंकी बनी है, ये नीचे पोला है, इसमें जाने के लिए पता नहीं पानी आने का, अंदर धसने के लिए आदमी के लिए सुरंग थे, यहाँ से प्रवेश अंदर जाते थे। अच्छा, इसे डायरेक्ट चले जाते थे, डायरेक्ट नीचे उतर के चले जाते थे। अच्छा, चलो अपन बाम चलते हैं, अब चलते हैं अंकल आगे की साइड ले चलते हैं अपन को। हाँ, तो चलिए आइए, जो बढ़िया तस्वीर सीनरी लगी है। अंकल अब कहाँ चलते हैं अपन? अंदर ही अपन दरबार हॉल, चौक है जो राजा गुजरते थे दरबार हॉल के लिए गए, ये बीच में अच्छा चौक बना है, वो बढ़िया नक्काशी है देखो, मेड़ा हिरण कुत्ते की मोर की मछली की बगला की जो भी बनी है ऊपर। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, पेट देख सकते हो, ये बकरियाँ बनी हुई हैं दो, एक फ्लावर बीच में बना हुआ है और साइड में दो कुत्ते हैं देख सकते हो इधर। और यहाँ पे देखोगे तो आपको भेड़ दिखाई देंगे, चार भेड़ जो कि आपस में लड़ रही हैं, ये देख सकते हो। और इधर की साइड देख सकते हो जो कि एक पेड़ है, उसमें शायद खाना रखा हुआ है, जो कि कुत्ता भी और जो बकरियाँ भी वो एकदम भागकर उस खाने पे टूट रही हैं।
और इधर की साइड देखोगे तो आपको दो बदक या मोर दिखाई देंगी जो कुछ खा रही हैं, देख सकते हो पेड़ में से टूट टूट कर। और ऊपर की साइड देखोगे तो आपको कुछ गुलदस्ता टाइप के दिखाई देंगे तीन। और इस गेट पे भी देख सकते हो अच्छी कार्विंग की गई है और फूल पत्तियाँ भी अच्छी डिज़ाइन से बनाई गई हैं। और इधर की साइड देखोगे तो वैसा ही उधर है और ऐसा ही इधर, जो दो बदक आपस में पेड़ से कुछ तोड़ कर खा रही हैं, देख सकते हो। और दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी नक्काशियाँ की गई हैं। और दोस्तों ये देख सकते हो दरबार हॉल के लिए राजा यहाँ से निकलते थे, जब यहाँ पे रानी की जो कुछ सहेलियाँ हुआ करती थी वो ठड़ी होकर यहाँ से फूल बसाया करती थी राजा के ऊपर। तो अब चलते हैं अंदर अपन। अंदर चल रहे अखाड़े वाली जगह में। अखाड़ा वहाँ पे? अखाड़ा, हाँ जी, अखाड़े की जगह है। अच्छा, जो राजा बैठ के अखाड़ा कराते थे पहलवानी को, जो मैदान खाली पड़ा थे यहाँ पे राजा बैठते थे, जो अखाड़े की जगह है अखाड़ा कराते थे। दोस्तों अब ये देख सकते हो हम आ चुके हैं अब अखाड़ा के एरिया में। ये अखाड़ा हुआ करता था इस एरिया में पहले समय में, और राजा यहाँ पे बैठा करते थे। ये राजा का ये सिंहासन हुआ करता था, यहाँ पे राजा बैठा करते थे, और कुछ लोग यहाँ पे भी रानियाँ बैठा करती थी, और यहाँ पे अखाड़ा हुआ करता था। आज अपन में गेट अंदर रानी का स्विमिंग पूल है, जो श्रृंगार करती थी। स्विमिंग पूल? हाँ, स्विमिंग पूल बना। और ये खंडर जगह जाए नीचे, ये मंदिर तो है ना? हाँ जी, जगह वही की है। दोस्तों अभी हम ठड़े हैं जो उस समय का अखाड़ा हुआ करता उस एरिया में। तो दोस्तों यहाँ पे एक सुरंग बनाई गई है जब राजा यहाँ से भागे थे। तो दोस्तों इस किले पे जब भदावर राजाओं का आक्रमण हुआ था, तब इस सुरंग से राजा भीमसिंह राणा इस सुरंग से भागे थे धौलपुर के लिए। तो दोस्तों अंकल बताएंगे आपको कहाँ से भागे थे राजा। राजा भागे थे जो ऊपर जो गद्दी बनी है ऊपर से जीना था, जो नीचे उतरने के लिए 6-7 मंजिल नीचे बना था, ये बंद कर दिया रास्ता था पुराना जीना, जो सुरंग के लिए नीचे गया है जमीन के अंदर। अच्छा, ये सुरंग? हाँ, इसी के अंदर से भागे थे राजा धौलपुर के लिए, इसी सुरंग से भागे थे। और क्या? तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये पहले समय में सुरंग हुआ करती थी धौलपुर यहाँ से करीबन 100 से 200 किलोमीटर दूर है, 250 किलोमीटर दूर माना जाता है। तो दोस्तों इस सुरंग से करीबन 10-10 दिन लग जाते थे राजाओं को जाने के लिए। दोस्तों देख सकते हो ये है वो सुरंग जो अभी की डेट में बंद कर दी गई है। तो अब चलते हैं अंदर की साइड अपन। दोस्तों आप देख सकते हो ये हाथी की पेंटिंग बनी हुई है और ये गेट है अंदर जाने का। और दोस्तों उस समय में यहाँ पे भी ये गेट हुआ करता था, जैसे कि आपको कुछ हॉल टाइप के दिखाई दे रहे होंगे ऊपर टाइप, देख सकते हो। और यहाँ पे भी जब ये गेट लगा दिया करते थे, तब गेट की एक सपोर्ट के लिए इसके अंदर एक लकड़ा, मोटा लकड़ा घुसेर जा करते थे, देख सकते हो उधर की साइड भी उधर की साइड भी, जो कि कुछ भी कोई भी इस गेट को तोड़ ना सके। दोस्तों चलते अंदर। दोस्तों पूरे में ये इस एरिया में पूरे में घास फूस ज़्यादा हो चुकी है। ये दोस्तों आप प्लास्टर देख सकते हो, ये अभी की डेट में करवाया गया प्लास्टर है ये, जो उस समय में नहीं था ये सब प्लास्टर, ये क्योंकि इस पर पत्थर लगे हुए हैं, देख सकते हो ये। दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पे। पहले समय में राजा अपने घोड़े बांधा करते थे और सैनिकों को भी घोड़े, सारे घोड़े इसी एरिया में बांधा करते थे। और दोस्तों सामने की तरफ आपको कुछ रूम टाइप के दिख रहे होंगे, वो है घोड़ों के अस्तबल। और दोस्तों यहाँ पे भी कुछ अस्तबल थे घोड़ों के, और यहाँ पे खनौटे भी बने हुए थे, वो पूरी तरह टूट चुके हैं। और दोस्तों ये एरिया देख सकते हो पीछे की साइड जाता है, इस साइड से घोड़े निकाला करते थे उस समय में। तो दोस्तों अब चलते हैं हम उधर की साइड, और आपको जो राजा का पहले समय में वॉशरूम है वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं जो रानी की पहले पर्सनल वॉशरूम हुआ करता था और राजा का हमाम खाना हुआ करता था उसमें। तो दोस्तों देख सकते हो ये गेट बना हुआ है उसका मेन द्वार, तो आइए दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों आप ये देख सकते हो ये स्विमिंग पूल है उस समय का। दोस्तों इसमें राजा और नहाया करते थे। और दोस्तों ये आपको पाइप टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये छोटा सा पाइप, ये उस कुएं से जाकर मिला है सीधा। दोस्तों उस कुएं से पानी इसमें कनेक्ट था, जिसलिए पूरा भर जाया करता था और राजा रानी इसमें नहाया करते थे। तो दोस्तों आइए इसके अंदर चलते हैं। दोस्तों वो कुआ है, देख सकते हो कुआ भी आप देख सकते हो यहाँ से। इस कुएं से पानी कनेक्ट होकर इस स्विमिंग पूल में आया करता था।
तो दोस्तों आइए चलते हैं अंदर। दोस्तों इसमें काफी ज्यादा चमका दे रहे हैं। तो आइए दोस्तों इधर की साइड, ये उस समय का वॉशरूम है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पानी निकासी के लिए नाली बनाई गई है। और दोस्तों ये है राजा का वॉशरूम, जो कि उसका ये हॉल था वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एक हॉल था गोल टाइप का, यहाँ पे बंद कर दिया गया है, देख सकते हो भराव कर दिया गया है। यहाँ पे ये वॉशरूम था, ये हमाम खाना था उस समय का। और दोस्तों एक हमाम खाना ये था, ये देख सकते हो आप। और ये रोशनी के लिए, निकासी के लिए खिड़कियाँ बनाई गई हैं। और दोस्तों ये था रानी का वॉशरूम, वहाँ पे रानियाँ नहाया करती थी, ये देख सकते हो। दोस्तों ये था गर्म पानी का टैंक, जिससे गर्म पानी करके इस टैंक में सप्लाई किया जाते थे। ये देख सकते हो ये वाला टैंक एक और है, इस टैंक में गर्म पानी सप्लाई हुआ करता था। और इस नाली से पानी आया करता था बार की साइड, ये देख सकते हो आप। और ये नाली है, इससे निकासी होकर बाहर जाता था। तो दोस्तों ये रानी का वॉशरूम, यहाँ पे रानी नहाया करती थी। और दोस्तों एक टैंक ये भी बना हुआ है, दोस्तों काफी ज्यादा चमगादड़ हैं इसमें। और दोस्तों देख सकते हो ऊपर एक हॉल टाइप का बना हुआ है, ये रोशनी आने के लिए। दोस्तों अब चलते हैं ऊपर की साइड हम, और ऊपर से हम आपको पूरे एरिया का व्यू दिखाते हैं। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ से गौतम किले का पूरा व्यू। और दोस्तों वो नदी है, और दोस्तों ये एक टापू में बना हुआ है ये किला। और दोस्तों ये देख सकते हो ये एरिया अभी हम खड़े थे, स्विमिंग पूल एरिया है। और अभी हम जो वॉशरूम हो या हमाम खाने में हुआ करते थे उसका ये रोशनी आती है इससे। और दोस्तों ये पीछे का हिस्सा है, हमने बताया था आपको जब राजा धौलपुर के लिए भागे थे उस सुरंग से भागे थे। दोस्तों इस सुरंग, वो सुरंग का रास्ता इसमें भी जाता है, उधर से ही वो धौलपुर के लिए जाया करते थे। दोस्तों वो आपको लास्ट वाला रूम दिखाई दे रहा होगा, एक हॉल टाइप का, उसमें राजा पहले समय में अपना गल्ला गेहूँ अनाज वगैरह रखा करते थे। देख सकते हो वो रूम्स, वो पूरी तरह से टूट चुका है, और इसकी जो छत है पूरी तरह से टूट चुकी है। और दोस्तों वो कुआ दिख रहा होगा आपको, और कुआ के बगल में नाली भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो दोस्तों आप, ये पतली सी नाली आ रही है, वो सीधी नाली इस स्विमिंग पूल में जाके कनेक्ट है उस कुएं से। और दोस्तों ये सैनिकों के हमाम खाने हैं, पहले तो हम आपको नीचे से बता देते हैं, आइए। दोस्तों ये आप देख सकते हो ये सैनिकों के हमाम खाने बने हुए हैं, इसमें तीन चार हमाम खाने हैं इसमें। ये देख सकते हो ये गोल टाइप का दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पे ही वो बैठ कर हमाम की व्यवस्था थी, ये देख सकते हो दोस्तों आप। और दोस्तों अब चलते हैं हम, ये बारह द्वारी है इसके ऊपर, और आपको ऊपर का भी व्यू दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। ये देख सकते हैं दोस्तों ये हम आ चुके हैं बारह द्वारी के ऊपर। और दोस्तों उस समय में जब यहाँ पे दंगल हुआ करता था, तो यहाँ पे लोग वक्त बैठ कर यहाँ से देखा करते थे। दोस्तों देख सकते हो, और इसके ऊपर आइएगा,
यहाँ से पूरा किले का परिसर दिखाई देता है, ये देख सकते हो। और उस समय में जब राजा यहाँ से, जब यहाँ पर कुश्ती हुआ करती थी, तो राजा यहाँ पर देख बैठ कर देखा करते थे। ये राजा का सिंहासन था जो अभी की डेट में पूरा टूट चुका है, देख सकते हो ये। और दोस्तों आइए अंदर की साइड। ऐसा ही दोस्तों, इसमें भी अंदर ऐसा ही रूम्स बना हुआ है। दोस्तों इधर से जगह नहीं है अंदर जाने के लिए, तो इधर से चलते हैं। दोस्तों ये छतरी वो छतरी है, जब इस किले में कोई दूसरे किले का राजा आक्रमण करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे एक जो राजा का सैनिक हुआ करता था, मेन सैनिक, वो खड़ा होकर यहाँ से आवाज़ दिया करता था। जैसे कि आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, ऐसे ही यहाँ पे एक सैनिक खड़ा होकर आवाज़ दिया करते थे कि आक्रमण होने वाला है, तो सारे सैनिक अपनी अपनी पोजिशन पर खड़े हुए हो जाया करते थे। दोस्तों आइए इसके अंदर। और दोस्तों ये भी एक, ये ऊपर जाने के लिए रास्ता बनाया गया है, देख सकते हो। दोस्तों ये ब्रिज टाइप का बना हुआ है। दोस्तों आइए ऊपर, इन सीढ़ियों की सहायता से हम ऊपर चलते हैं। दोस्तों देख सकते हो ये वो छतरी, यहाँ से राजा का मैन सैनिक बैठा करते थे, देखा वाली किया करते थे, और दूर दूर तक यहाँ पे देखा वाली किया करते थे। ये देख सकते हो दूर दूर तक आपको पहाड़ नज़र आ रही होंगी। ये पूरा गौद का किला है, शहर ये पहाड़ से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, तो दोस्तों लाइक करके जाइएगा, और दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।